कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका सुमन ब्लेज ब्लॉग में। तो ये देख लीजिए, ये है चाय। ये देखो, बंद गोभी खा रही है पूरी की पूरी। ये देख लीजिए, हम आए अपने मामा जी। उठा लो, तो हम आए मामा जी के यहाँ पे और मेरे भाई बना रहे हैं मोमोस। तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दे। तो ये है मेरे बड़े मामा जी के घर पे आई हूँ मैं। छोटे मामा जी के यहाँ पे मैंने शेयर किया था उनके यहाँ पे जब गए थे। तो ये है मेरी बहन की लड़की, छोटी सी क्यूट सी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मोमोस बनाने की रेसिपी। तो वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन थोड़ा फिर भी बता देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और नहीं आए तो भी कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते थोड़ी देर में। तो मेरा भाई है जो मामा जी का लड़का, तो वो बंद गोभी कस रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना लिया। मैंने कहा तुम बनाओ, मैं वीडियो बनानी चलती हूँ दिखाने के लिए सबको, क्योंकि बंद गोभी बहुत मतलब बहुत देर लगती है, हम लोग कसते हैं। लेकिन उसने बोला लाओ मैं कस देती हूँ फटाफट से। और ये है क्यूट सी बेबी, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो मैंने कहा इसको भी दिखा दूँ। तो बैठी बैठी बंद गोभी खा रही थी थोड़ी बहुत, उसके जो पत्ते होते बंद गोभी के वो खा रही थी। तो आ जाइए दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने वहाँ पे एंजॉय किया। तो अब देख लीजिए, बंद गोभी हमारी पूरी कस चुकी है। उसके लिए प्याज शिमला मिर्ची काटना है। तो पहले प्याज काट लेती है मेरी बहन, यानी कि मामा जी की लड़की है, वो मेरी बहन है, वो काट रही थी। और फिर उसके बाद उसमें से जो बंद गोभी से जो पानी निकलता है, तो उसको इस तरीके से पानी निचोड़ लेना है। वरना होता क्या है, इसको हम तलते हैं तो बिल्कुल सब्जी जैसा हो जाता है और अच्छे से मोमोस नहीं बनते हैं। तो जितना पानी आप इसका निचोड़ सको उतना निचोड़ ले, फिर उसके बाद इसको तलना है, उसके बाद तलना है पानी निचोड़ने के बाद। तो देख लीजिए, ठीक है। तो पानी निचोड़ लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो देख लीजिए, पानी पूरा निचोड़ चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। उसके बाद शिमला मिर्ची काटी है इस तरीके से, देख लीजिए। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हम। तो पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ये भी मेरा भाई काट रहा था, बस मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। और ये है चटनी के लिए, टमाटर और जो लाल मिर्ची होती सूखी हुई वो उबलने के लिए रखना है। फिर तब उसके बाद इसकी चटनी बनेगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मोमोज की चटनी किस तरीके से बनती है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो उसका उसके जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो रख देते हैं इसको उबलने के लिए। तो ये देख लीजिए, बंद गोभी शिमला मिर्ची और प्याज हमने जो ली थी वो सब हम इस तरीके से तल लेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं तलना है, बस क्रंची रखना है हमें इसको। और उसमें थोड़े थोड़े हम मसाले डाल लेंगे, जो लाल मिर्च होती है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो आपको डालना है वो आप खाना मतलब खुद ही खा रहे हो तो जो आपको अच्छा लगे वो मसाला डाल सकते हो उसमें। और बस एक चीज़ याद करके डाल लेना है इसमें बस। तो वो होती है अजीना मोटो, उससे ही टेस्ट आता है। तो बता देती हूँ मैं आप लोगों को, अजीना मोटो आप ध्यान से ज़रूर डालिएगा, वरना टेस्ट नहीं आएगा। अब यह है मेरा भाई, तो बोल रहा था लाओ मैं मैदा भी लगा देता हूँ, क्यों तुम अपने हाथ बिगाड़ोगे, सब लोगों से बोल रहा था। तो उसने कहा चलो ठीक है, तो मैदा ही लगाने चल रहे थे। और तो वो मैदा लगा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से हमने बनाए मोमोस। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस, नहीं आए ना तो भी कर देना। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं मस्ती और साथ में ही काम भी कर रहे हैं। तो देख लीजिए, आटा लग चुका है और मोमोज के जो अंदर का फीलिंग होती है बनने के लिए जो, वो भी पक चुकी है। उसको ठंडा करने के लिए निकाल रहे थाली में। और सब लोग साथ में होते हैं तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो चटनी बनाने के लिए टमाटर जो उबाले थे, बॉईल करके रखे हुए थे, तो उनको भी निकाले, उसका छिलका निकालना है। तो वो गर्म है तो मेरी बहन निकाल रही है छिलका। तो देख लीजिए, तो इसी तरीके से ये है मेरी मामी। एक वीडियो में मैंने आप लोगों से मिलवाया था। और ये है मेरा भाई, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दें, दिखा दें। तो देख लीजिए, बस मस्ती मस्ती में
ये सब कुछ हो रहा है, बस मोमोस बनाना आ नहीं रहा था उसको, भाई को मेरे, तो वो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी लोइयाँ ले रहा था। तो हम लोग बता रहे थे इतनी बड़ी लोइयों का नहीं बनता, बहुत छोटे छोटे, इतना बड़ा मोमोस बनेगा, वो ऐसे बोल रही थी मेरी बहन, इतनी बड़ी लोई का, तो बोल रहा था कि नहीं नहीं ऐसा ही बनता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग बातें कर रहे थे और मोमोस भी सीख बनाना सीख रहे थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना गाइस। तो चलिए बना लेते हैं मोमोस फटाफट से, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस, मोमोस बन चुके हैं और बन रहे हैं, और साथ ही साथ में इनको जो स्टीम करने के लिए भी रख दिया है। तो स्टीमर नहीं था इसलिए भगोनी में पानी रख कर उसके ऊपर छलनी में हल्का सा तेल लगा कर उस पर रख दिए थे। करीबन 5 मिनट हो चुका है और अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं। तो इस तरीके से अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे, और जिसको इसी तरीके से स्टीम करे हुए खाना है तो स्टीम करे हुए खा सकते हैं, और जिसको तल के खाना है तो वो तल के भी खा सकते हैं इनको। तो फटाफट से निकाल लेते हैं, मैंने आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि किस तरीके से बने हुए थे यहाँ पे मोमोस। तो मोमोस और पाव भाजी दोनों बने थे, तो देख लीजिए कितने अच्छे मोमोस लग रहे हैं, जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो मोमोस निकाल रही है मेरी बहन और मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा तुम निकालो, मैं वीडियो में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये मोमोस तले हुए हैं, इनको फ्राई कर दिया था, और कुछ बिना तले हुए मोमोस है, ये तो अभी बन रहे हैं। तो आ जाइए, बन चुकी है पाव भाजी और मोमोस। तो देख लीजिए आप, पाव मंगाए थे तो मामी जी पाव के ऊपर बैठ गई थी तो पिचक गए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हंसी हो रही थी। तो आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ा। हमारे मोमोस और पाव भाजी की बना रही सही से तुम।